गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टेक एंड न्यूज़ में। गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना बुकिंग का जो क्रेडिट सेल है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, गवर्नमेंट के द्वारा जो आपकी फ़्लाइट कैंसिल हुई थी उनका आपके पास में क्रेडिट सेल आया होगा। ये जो क्रेडिट सेल है वो आपको मेल के थ्रू आया है एयरलाइंस की तरफ से। तो गाइज, इस क्रेडिट सेल को आप कैसे यूज़ करेंगे और इसका क्या क्या स्टेप रहेगा ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज, जिन लोगों का भी फ्लाइट कैंसिल हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि 14 अप्रैल तक का था, उनका अब क्रेडिट सेल दे दिया गया है एयरलाइंस की तरफ से। तो आप सब लोग चेक कर लीजिएगा, मोस्टली लोगों के पास में क्रेडिट सेल आ गया है, जिनके पास में नहीं आया उनका भी आ जाएगा। तो मेरे पास आ चुका है, तो अब मैं आपको बताता हूँ उस क्रेडिट सेल को कैसे आप इजीली यूज़ कर सकते हो आपकी नेक्स्ट बुकिंग के लिए। तो गाइज़, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी एयरलाइंस की साइट है वहाँ पर जाना होगा। आप ये डायरेक्टली ऐप से नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या करना होगा, ब्राउज़र में जाकर लॉगिन करना होगा अपना एयरलाइंस पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी बुकिंग बनानी है। बुकिंग के लिए देखिए मैंने पहले ही डिपार्चर से अराइवल वाली जगह डाल रखी है, आप भी कोई भी डाल सकते हैं। उसके बाद में आप कोई भी अपने मन अनुसार डेट पुटअप कर सकते हैं। ये आपका क्रेडिट सेल एक साल तक के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, अब मैंने 18 ये डाल दिया है, ठीक है, डिपार्चर और वापस का डाल दिया मैंने 21 का ही। ठीक है, अब इसे डन कर दीजिएगा, फिर करिएगा सर्च फ्लाइट। जब आप सर्च फ्लाइट करेंगे तो ये फ्लाइट को सर्च करेगा, आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, ये आपको ब्राउज़र में जाकर ही करना है। ठीक है, ये करने के बाद में आपको कंटिन्यू कर देना है, अपने अनुसार आप टाइम चेक कर लीजिएगा, जिस भी टिकट को करना चाहते हैं उसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको स्किप करना है, ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है, ये सारा प्रोसेस आपको कर लेना है। ठीक है, अब अगली स्टेप में क्या करने वाले हैं, आपको यहाँ पर अपनी डिटेल देनी है। ठीक है, डिटेल आप भर देंगे, ठीक है, मैंने ऑलरेडी फिल कर रखी है, तो मैं केवल इसको एक टैप से अपनी फिल कर देता हूँ, आप भी फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद फिर आपको कंटिन्यू करना है, फिर आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, फिर कंटिन्यू कर देना है। अब देखिए यहाँ पे इस स्टेप में हमें क्रेडिट सेल के लिए पूछ लिया है इसने। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया यूज़ अ क्रेडिट सेल और आप कैसे पैसा डायरेक्ट अपना दे सकते हैं किसी भी कार्ड से या कैसे भी। तो हमें तो क्रेडिट सेल की मदद से ही अपना जो क्रेडिट सेल में पैसा है उसको ही इस बुकिंग के लिए यूज़ करना है। तो आपको क्या करना होगा, आपके मेल पे जो PNR आया होगा एयरलाइंस की तरफ से उसको डालना है और अपना लास्ट नेम डाल देना है, उसको सबमिट कर देंगे तो आपका जो भी पैसा था पिछला PNR का वो यहाँ पर लग जाएगा, आपको कोई भी एक्स्ट्रा मनी नहीं देनी होगी। फेयर डिस्टेंस जो रहेगा या फिर फेयर चार्ज जो रहेगा वो आपको यहाँ पे केवल देना होगा। देखिए ये आने के बाद में सिंपली आपको इसको सबमिट कर देना है। सबमिट जब करेंगे आपको आपका पैसा जो भी पिछला था, जितना भी आपने पे किया था पिछली फ्लाइट में, वो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है गाइस, ये था एक सीधा तरीका जिसकी मदद से आप अपना क्रेडिट सेल यूज़ कर सकते हैं नई बुकिंग के लिए। तो इसमें तीन चीज़ मेन है जो कि आपको ख्याल रखना है, वो ये है कि वही पैसेंजर अपना जा सकता है जिसने पहले की बुकिंग की हुई है, वही इस वाले क्रेडिट सेल से बुकिंग कर सकता है। ठीक है, और कोई भी सिटी रह सकती है, ये वाला क्रेडिट सेल आपके लिए एक साल तक के लिए वैलिड रहने वाला है। ठीक है गाइस, तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मैं काफ़ी दिनों से ये सर्च आउट करने में था कि कैसे हम अपना क्रेडिट सेल यूज़ करेंगे, आखिरकार मेरे को पता चल गया, तो मैंने सोचा ये वाला वीडियो आपको भी एलोबरेट कर देता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी।